टुडे वी डिस्कस द प्रोजेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस फ्रॉम सम हाइट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. टुडे वी डिस्कस द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. फॉर दैट ये आपके पास हाइट है h और यहां से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड कर दिया. दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस एंड दिस पॉइंट इज o d, दिस पॉइंट इज a एंड द पार्टिकल इज हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड. तो नाउ हियर ux दैट इज u मीटर पर सेकेंड. हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शंस में कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी that is same, horizontal component of velocity remains same throughout the projectile motion. Now first point is what is the horizontal component of velocity. Now the horizontal component of velocity, here horizontal component of velocity, so horizontal component of velocity is what, yahan pe vx is equal to ux, that is equal to u. How it comes? Vx equal to u x plus ax into t. When horizontal velocity is constant, then acceleration is zero. Now horizontal velocity is constant and acceleration is what, zero. So vx equal to ux is equal to u, that is the horizontal component of velocity. Same as we can determine the vertical component of velocity. So vertical component of velocity में कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे आएगा vertical component of velocity. एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में आपके पास आएगा vy इक्वल टू uy प्लस ay इनटू में t. अब यहां पे ay जो होगा वो आपके पास z होगा, ay, तो वर्टिकल कंपोनेंट uy आपके पास जीरो हो गया, जीरो प्लस gt. तो vy इज द दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. अब यहां पर अब आता है सेम एज रिजल्टेंट वेलोसिटी बाय विच इट टचेस द ग्राउंड. तो यहां पे हम एक रिजल्टेंट वेलोसिटी लेते हैं, दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी बाय विच इट टचेस द ग्राउंड या वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट t, ये vx वेक्टर हो गया, दिस वन इज vy वेक्टर और दिस वन इज थीटा. तो नाउ द रिजल्टेंट वेलोसिटी बाय विच इट टचेस द ग्राउंड, तो किस वेलोसिटी से ग्राउंड से ग्राउंड को टच करेगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी नाउ बाय विच इट टचेस द ग्राउंड, तो नाउ हियर v इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी बाय विच इट टचेस द ग्राउंड. तो v इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर पूरे का रूट, vx द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आपके पास u स्क्वायर होगा, vy हो गया, अब ये g स्क्वायर t स्क्वायर, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बाय विच इट टचेस द ग्राउंड, ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है बाय विच इट टचेस द ग्राउंड. मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. उसके बाद आपके पास आता है टाइम ऑफ, इसके इसमें निकालना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट या हाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, ये आपके पास h है, तो h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, uy 0, 0 into में t plus half gt square, ये आपके पास height है, तो यहाँ पे जो t आपके पास होगा, ये t बन जाएगा 2h by g, ये आपके पास time by which it touches the ground from A to D, the total time taken by the particle from the point of projection to it touches the ground, ये आपके पास आ गया time of flight. Now height के लिए ये same formula होगा, height के लिए बन जाएगा half gt square, और ये जो आपके पास रेंज होगी ओबी, ये रेंज कैसे निकालेंगे, ओबी इज ओबी द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो नाउ हियर आर, आर इज इक्वल टू ओबी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बनेगा, अब यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपके पास u है और आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट 2h / g, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल रेंज. आपने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दिया, यहां से यहां हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल दी,
एंड हॉरिजेंटल एंड वेलोसिटी कंपोनेंट भी निकाल दिए। हॉरिजेंटल कंपोनेंट वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू यू, और आपने वर्टिकल कंपोनेंट और वेलोसिटी भी निकाल दिया, और रिजल्टेंट वेलोसिटी बाय विच इट टचेस द ग्राउंड वो भी आपने निकाल दिया, यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डायरेक्शंस यदि पूछी जाए तो डायरेक्शंस भी आप निकाल सकते हैं। टेंजेंट थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, दिस वन इज ये वी वाई है तो दिस वन इज वी वाई, तो टेंजेंट थीटा होगा वी वाई बाई वी एक्स, और दैट कैन बी रिटन एज जी टी बाई यू। ये आपके पास टेंजेंट थीटा आ गया, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो होगा टेंजेंट इनवर्स जी टी बाई यू, यानी कि आपने डायरेक्शंस भी निकाल दी। और यदि ट्रेजेक्ट्री निकालें तो आप ट्रेजेक्ट्री भी निकाल सकते हैं, ये कर्व पाथ। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, द कर्व पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज नोन टू बी ट्रेजेक्ट्री, ये ट्रेजेक्ट्री भी आप निकाल सकते हो। ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे, पहले मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू यू टी हो गया, प्लस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी इज कांस्टेंट हाफ जीरो इंटू में टी स्क्वायर। और यहां से आपके पास जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास t इज इक्वल टू बनेगा x बाई यू, ये आपके पास हो गया। व्हाट इज दिस, ये आपके पास टाइम आ गया हॉरिजॉन्टल मोशन से। अब सेम एज आप वर्टिकल मोशन से निकाल सकते हैं, वर्टिकल जो मोशन होगा, अब वर्टिकल मोशन में क्या करेंगे आप, फोर वर्टिकल मोशन का मतलब अब y डिस्टेंस तो डाल रहा हूँ, y एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, यू वाई जीरो इंटू में टी प्लस ए वाई इजक्वल टू जी हाफ जी टी स्क्वेयर, वाई वाई इजक्वल टू हाफ जी टी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वेयर वाई यू स्क्वेयर, दिस इज द इक्वेशन फॉर पैराबोला या इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। ये ट्रेजेक्ट्री है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस के बाद दूसरे हमारे पास आता है कि प्रोजेक्टाइल का आता है कि प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्टाइल और एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रो एन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल थ्रो एन इंक्लाइंड प्लेन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, प्रोजेक्टाइल्स मोशन थ्रो एन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें ध्यान से देखिएगा, इंक्लाइंड प्लेन में ये आपके पास है, ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, ओ बी इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन जिस एंगल में अल्फा बना रही है, यहाँ से पार्टिकल को ये प्रोजेक्टेड कर दिया, ये प्रोजेक्टेड किस वेलोसिटी से प्रोजेक्टेड कर दिया, ये वेलोसिटी यू से प्रोजेक्टेड कर दिया, वी वेलोसिटी से इस पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया है, ये एंगल आपके पास अल्फा है। अब यहाँ पे आपने निकलना है, ये सुनिए ध्यान से, ये आपके पास मान लीजिए ये आपके पास एक्स एक्सिस इन रेफरेंस पॉइंट से, ये आपके पास वाई एक्सिस। अब यहाँ पे अब पार्टिकल जो कंपोनेंट होगा, अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा, दिस वन इज दिस कंपोनेंट, ये आपके पास यू एक्स, यू एक्स क्या बनेगा, अब यहाँ से ये जो एंगल है अल्फा माइनस बीटा, यू कोस अल्फा माइनस बीटा हो गया, और दिस वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू वाई, और यू वाई होगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास पार्टिकल का मैं एक पॉइंट लेता हूँ ऐसे कि पार्टिकल की ग्रेविटी, अब यहाँ पे ये बीटा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड्स जी, दिस कंपोनेंट इज जी कोस ऑफ बीटा, रिजल्ट हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटी हो गया, ये होगा जी साइन बीटा। यानी कि वी कैन से हॉरिजॉन्टल ये एक्स एक्सिस माना है, व्हेन वी कंपेयर दिस एक्स एक्सिस ए एक्स होगा माइनस जी साइन ऑफ बीटा, अपोजिट डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड जी ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कोस ऑफ बीटा। ओके, अब हमने सबसे पहले इसमें दो पॉइंट सबसे हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ए टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, अब टाइम ऑफ फ्लाइट वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस, ये इंक्लाइंड प्लेन से है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यूजिंग द इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस, की बात करें वर्टिकल मोशन में यू वाई
यदि आप इसके रेफरेंस में देखें तो यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट बी जीरो जीरो यू वाई, यू वाई इज व्हाट यू साइन अल्फा माइनस बीटा इनटू में टी प्लस वन बाय टू ए, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कोस बीटा, माइनस जी कोस ऑफ बीटा इनटू में टी स्क्वायर, एंड व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन दैट विल बिकम्स आउट u sin alpha minus beta into में t is equal to minus, ये बन जाएगा आपके पास half g cos of beta into में t square, और t is equal to 2 u sin alpha minus beta divided by g cos of beta. This is the time of flight. ये हमारे पास आ गया time of flight. अब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कोई भी इक्वेशन ऑफ कैसे भी शेप की जितने भी न्यूमेरिकल आई उसमें देख लेना कौन सा एंगल क्या है, सीधा यू हैव टू अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है ये, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन के लिए. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है इस पे. उसके देन वी हैव टू डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल रेंज. देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास ओबी है, ओबी इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, आपने OB निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज OB है. तो OB हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हम इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते हैं. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, इसके साथ एंगल अल्फा बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बन गया u cos ऑफ अल्फा. ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos ऑफ अल्फा है. और यदि हम ये हॉरिजॉन्टल यदि डिस्टेंस निकालें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई भी मान लीजिए OBP, यदि ये ओरिजेंटल डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं तो हम बहुत इजीली निकाल देंगे. कैसे निकालेंगे ओरिजेंटल, दिस वन इज, तो ये ओरिजेंटल ओपी, ओपी होगा ओरिजेंटल वेलोसिटी इंटरवल टाइम ऑफ फ्लाइट. तो यहाँ पे ओरिजेंटल जो वेलोसिटी कंपोनेंट है यू कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटरवल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास है टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई जी कोस ऑफ बीटा. जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, दिस कैन बी, ये आपके पास ओरिजेंटल डिस्टेंस है, ये आपके पास ओरिजेंटल डिस्टेंस है. तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा यू स्क्वायर टू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू में यू साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे ये सॉरी ये यू कोस अल्फा है, दिस वन इज यू कोस ऑफ अल्फा, यू कोस ऑफ अल्फा इंटू में आपके पास आ गया u cos of alpha. तो यहाँ पे ये आपके पास cos of alpha आ गया, this one is cos of alpha divided by g cos of beta. अब मैं आपको फॉर्मूले बताना चाह रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है जो आपको यूज करने पड़ेंगे. देखिए सबसे पहले फॉर्मूला आता है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b. एक तो ये फॉर्मूला होता है और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, मैथ में भी पढ़ेंगे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न. साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी. अब यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बनता है टू साइन ए साइन बी. 2 sin a sin b का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sin a sin b. हाउ वी कैन डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का भी फॉर्मूला आज से आप याद रखेंगे 2 sin a sin b. 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है sin a plus b plus sin a minus b. जब आप ये वैल्यू sin a plus b और sin a minus b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा. तो यहां पे 2 sin a sin b, तो OP OP is equal to U square, यहाँ पे 2 sin A sin B means sin A minus B, A minus B alpha minus alpha minus, ये A हो गया alpha minus alpha, sin A minus B minus, ये U overall common है minus, क्या बना sin sin alpha minus beta minus alpha, this one is, और divided by G cos of beta u square sin 2 alpha minus beta minus, यहाँ पे alpha से alpha cancel हो जाएगा sin beta,
और यहाँ पे साइन माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा, यहाँ पे माइनस साइन बीटा माइनस माइनस आपके पास हो गया, ये साइन माइनस बीटा ना, दिस वन इज प्लस, सॉरी दिस वन इज प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस साइन ऑफ बीटा और दैट इज साइन ऑफ बीटा और दैट इज डिवाइडेड बाई, ये आपके पास होगा जी कोस ऑफ बीटा, दिस वन इज ओपी, ये आपके पास ओपी डिस्टेंस है, दिस वन इज ओपी की वैल्यू निकाल ली, हमें ओरिजेंटल रेंज ओबी चाहिए, तो ओरिजेंटल रेंज ओपी ओपी बाई ओबी इज इक्वल टू कोस ऑफ बीटा एंड ओबी ओबी इज इक्वल टू ओपी ओपी बाई कोस ऑफ बीटा, आप ओबी की वैल्यू पुट कर, ओपी ओपी की जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो दैट विल बी कम्स आउट यू स्क्वेयर ये साइन टू अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस साइन बीटा ओके और डिवाइडेड बाय व्हाट जी, ये बन जाता जी कोस स्क्वायर ऑफ बीटा, ये ओबी है, ओबी इज द हॉरिजॉन्टल लेंस, इज द हॉरिजॉन्टल लेंस, ये आपके पास ओबी है हॉरिजॉन्टल लेंस के, हमने यूज किया साइन टू अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा बाय जी, पॉइंट टू बी नोटेड, जितने भी आपके पास इंक्लाइंड प्लेन पे हॉरिजॉन्टल और टाइम ऑफ फ्लाइट के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज का है और सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आपको दो फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है आपको जो मैंने न्यूमेरिकल भेजी है वो आप कर लेना, माइनस टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कोस ऑफ बीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है यू स्केयर साइन टू अल्फा माइनस साइन बीटा और डिवाइडेड बाई जी कोस स्क्वायर ऑफ बीटा, ये आपके पास है इंक्लाइन प्लेन पे, किसके लिए है ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन पे, जब कोई पार्टिकल किसी इंक्लाइन प्लेन से आपसे यदि प्रोजेक्टेड किया जाता है उसके लिए दोनों फॉर्मूले हैं, ओरिजेंटल रेंज का भी फॉर्मूला बता दिया और आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आपके पास ओरिजेंटल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूले हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द इक्वेशंस। अब जैसे आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर एन इंक्लाइन प्लेन, अभी हमने फॉर्मूला प्रूव किया है यू स्क्वेयर साइन टू अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी कोस स्क्वेयर ऑफ बीटा, अब आता है फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो इसके लिए हम ये लेते हैं फॉर फॉर मैक्सिमम एचआर, यदि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंस के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इसको मतलब टू अल्फा माइनस बीटा दैट इज मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू होती है, क्या होती है पाई बाई टू, तो यहाँ पे टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस बीटा और अल्फा इज पाई बाई फोर प्लस बीटा बाई टू, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है, अब इसमें यदि हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपके पास पाई बाई टू है तो साइन पाई बाई टू, तो हॉरिजॉन्टल लेंस को वी के राइट यू स्क्वेयर, यहाँ पे यू स्क्वेयर और यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये यू स्क्वेयर ये पाई बाई टू होगा दैट इज वन माइनस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई जी कोस स्क्वेयर ऑफ बीटा, कोस स्क्वेयर ऑफ बीटा कहता है इफ बीटा इज जीरो, यदि हम बीटा जीरो करते हैं, इफ बीटा इज जीरो, यदि बीटा की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, बीटा इज जीरो, बीटा जीरो होते ही अल्फा पाई बाई फोर प्लस जीरो, अल्फा हो गया पाई बाई फोर 45 डिग्री, अब अल्फा आपके पास 45 डिग्री पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा, वो कैसे आएगा वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीटा जीरो होती है अल्फा 45, 45 डिग्री पे जब, अब आर आर इज गुड गया अपना यू स्क्वेयर, यहाँ पे वन माइनस ये साइन जीरो हो गया, यहाँ पे जी यहाँ पे कोस स्क्वेयर जीरो, कोस जीरो वन होता है और दैट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंस, तो दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंस, अल्फा और बीटा में ये रिलेशन आएगा इंक्लाइन प्लेन पे और ये सारे क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एनी मोड, तो ये वी हैव डिस्कस द इंक्लाइन प्लेन व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अबाउट द इंक्लाइन प्लेन, यदि हम इंक्लाइन प्लेन से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टेड करते हैं तो हम ऐसे वी कैन डिटरमाइन,
उसके बाद हमारे पास आता है वेलोसिटी फायर्ड एट एन इंस्टेंट, ये आता है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट ए वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट व्हेन व्हेन द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी यू व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी यू बाय मेकिंग एन एंगल बाय मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, यानी कि हॉरिजेंटल से एंगल बनाते हुए पार्टिकल मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे करेंगे आप, ये आपके पास है, ये पार्टिकल को आपने ये प्रोजेक्टेड कर दिया, दिस वन इज, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास थीटा है, इट्स ओके। ये आपके पास सपोज दिस वन इज, ये आपके पास वेलोसिटी है, या ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, एट द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ये वेलोसिटी यू से, ये थीटा, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, नाउ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू एक्स, यू कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू वाई, ये